स्पीकर आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिफाइड ज्ञान में। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र यानी इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट अगर बात की जाए कि एक उपकरण होता है जो क्या करता है, किसी भी राशि का मापन करता है, यानी उस राशि के अंदर कितनी क्वांटिटी है या फिर उसके अंदर कितना वो राशि का मान है, यानी ज्यादा है या फिर कम है, इसके बारे में अपने को अवगत करवाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कई प्रकार के कारक होते हैं, जैसे एम्पियर होगी, ठीक है, वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर या फिर शक्ति के बारे में अगर बात करें तो ऐसे कई प्रकार के कारक होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि अपने को मेजरमेंट करना होता है, यानी इसके अंदर वोल्टता का मान कितना जा रहा है या फिर कोई भी मशीनरी है वो पावर कितनी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मशीनरी है वो कितनी धारा ले रही है। तो इसी प्रकार की सारी जानकारी अपने को एक स्टोर करने के लिए क्या होता है कि एक मापक यंत्र का निर्माण किया गया, जो क्या करता है कि अलग अलग अपने सिद्धांत पर कार्य करता है और अलग अलग राशियों के मापन के लिए अलग अलग मीटर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मापक यंत्र के बारे में, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मापक यंत्र की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि वह राशि जिसका क्या करना है, अपने को मापन करना है। जैसे कि बात की जाए कि मेरे पास एक मीटर है, वो क्या कर रहा है कि किसी भी विद्युत राशि का मापन कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मापक यंत्र कहलाता है, यानी मेजरिंग क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है कि इनकी एक्यूरेसी के आधार पर, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक्यूरेसी के आधार पर कितने टाइप के होते हैं और इनकी जो एक्यूरेसी रखी जाती है, यानी एरर की बात की जाए कि इनके अंदर जो एरर का मान होता है वो कितना कम होता है या फिर कितना ज़्यादा होता है, इसी के बारे में बताएंगे। और ये क्या होता है कि दो टाइप में आपका बांटा गया है, यानी पहला टॉपिक क्या है कि एक्यूरेसी के आधार पर जो मीटर होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है, वो अपने बात करते हैं, एक्यूरेसी के आधार पर मीटर को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग आता है उसका नाम आता है एब्सोल्यूट यानी परम मापी उपयंत्र। अगर इसकी इंग्लिश में बात की जाए तो यहां पर बोला जाता है जैसे कि एब्सोल्यूट स्केल के बारे में। एब्सोल्यूट स्केल के बारे में अगर देखा जाए कि परम मापी जो आपका उपयंत्र होता है, इसकी जो अगर बात की जाए कि एरर के बारे में, तो एरर का जो मान होता है इसके अंदर वो रखा जाता है या फिर होता है इसके अंदर 0.1 से लेकर 0.3। आपको ये चीज याद रखनी है कि मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एरर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है एब्सोल्यूट स्केल के बारे में, यानी बोल सकते हैं परम मापी यंत्र, और जो परम मापी यंत्र होता है उसका जो एरर होता है वो 0.1 से लेकर 0.3 के बीच होता है, यानी अपने कह सकते हैं कि बहुत ही कम वाला जो एरर वाला जो मापक यंत्र होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, वो परम उपयंत्र यानी एब्सोल्यूट स्केल वाले। अब बात करते हैं अपने दो नंबर पॉइंट की। दो नंबर पॉइंट आता है कि जैसे कि अपने बात करते हैं कि सामान्य उपयंत्र की अगर बात की जाए, ये जनरली उपयंत्र होते हैं जो आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, या फिर जो पैनल होते हैं जो आईटी के अंदर लगाए जाते हैं, यानी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर जो मीटर लगाए जाते हैं जैसे कि एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर या फिर अपने शक्ति के लिए, तो वहां पर जो मीटर लगाए जाते हैं वो आपके सेकंड वाली श्रेणी के अंदर आते हैं, यानी सामान्य उपयंत्र के अंदर आते हैं, यानी जनरली के अंदर। इसके अंदर अगर अपने एरर की बात की जाए तो एरर का जो मान होता है वो 0.5 से लेकर 2.5 तक होता है, यानी इसके अंदर एरर का मान ज्यादा होता है, इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि एक्यूरेसी के आधार पर मीटरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आप क्या बोलोगे, दो भागों में। पहला क्या आता है, परम मापी यंत्र होता है, उसका जो एरर का मान होता है वो 0.1 से 0.3 होता है, और उसके बाद में अगर सामान्य कार्य के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि 0.5 से लेकर 2.5 तक होता है एरर का मान, ठीक है। इनके अंदर जो मापक यंत्र आते हैं वो आपके जैसे पैनल बोर्ड हो गए, इनके अंदर जो यूज में लाए जाते हैं, और इनका जो
उपयोग होता है वो टेस्टिंग के लिए किया जाता है, यानी इस प्रकार के जैसे वोल्टमीटर बनाना है इसकी टेस्टिंग करनी है, तो वो इन प्रकार के जो यंत्र होंगे वो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने दो नंबर पॉइंट के बारे में। दो नंबर पॉइंट यह था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी क्लासिफिकेशन अपने को वर्गीकरण करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बात की जाए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण, मापक यंत्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है प्राइमरी और सेकंड आता है आपका सेकेंडरी। पहले बात करते हैं अपने प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी या फिर इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं INST, यानी मतलब क्या आता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या उसको बोलते हैं परम मापी या फिर प्राथमिक उपयंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले सुने आप कि वह यंत्र या फिर वह मापक यंत्र जो क्या करता है कि किसी भी राशि का मापन करना है। ठीक है, किसी भी राशि का क्या करना है, मापन करना है, तो एक पॉइंटर के आधार पर, यानी कोई भी एक मापक यंत्र है उसके अंदर पॉइंटर लगा होगा, पॉइंटर के आधार पर वो किसी भी कोण को बताता है, यानी क्या करेगा, वो किसी भी कोण को बताएगा। तो कोण को बताने के आधार पर क्या होगा कि वो बताएगा कि इसके अंदर इतनी धारा या फिर इतने वोल्टेज यानी फ्लो हो रही है। उदाहरण देता हुआ है कि जैसे कि एक प्रकार का ये मीटर है। ठीक है, कि वह मापक यंत्र जो किसी भी राशि का मापन करना है, यानी मुझे यहाँ पर राशि का मापन करना है, जैसे कि आई का मापन करना है, किसी भी राशि का मापन करना है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर पॉइंटर लगा रहता है और पॉइंटर आपको सीधे अंक नहीं बताएगा, अंक सीधे नहीं बताएगा, ये ओनली फॉर क्या बताएगा, यहाँ पर कोण का मान बताएगा, यानी यहाँ पर कोण यानी थीटा का मान बताएगा। और थीटा के मान के आधार पर क्या होता है कि इसके मापन यानी कि राशि का जो मापन होता है वो कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया कि जो प्राइमरी या फिर परम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस आधार पर कार्य करते हैं, कि वो एक कोण के आधार पर कार्य करते हैं। वो ओनली फॉर मीटर होते हैं, वो ओनली फॉर क्या बताते हैं, कोण का मान बताते हैं, और उसी कोण के आधार पर क्या होता है कि अपने को राशियों का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो परम मापी यंत्र क्या करते हैं कि कोण का मान बताते हैं, और इसका हमेशा जो स्केल होती है वो ली जाती है के थीटा से लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि के थीटा किस प्रकार का मापक यंत्र है, यानी क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट मापक यंत्र किस प्रकार का मापन करता है, ऑप्शन आएंगे के थीटा। ठीक है, नीचे आएंगे 2-3 एम्पियर जो कि वोल्ट मीटर, आपको क्या बताना है कि के थीटा के है, के थीटा किसका है, एब्सोल्यूट या फिर प्राइमरी मापक यंत्र का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं कि इसका जो पाठ्यांक होता है, जो प्राइमरी एब्सोल्यूट मापक यंत्र का जो पाठ्यांक होता है वो के थीटा से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी लाइन कि के थीटा से दर्शाया जाता है किसका मान दर्शाया जाता है, प्राइमरी एब्सोल्यूट मापक यंत्र का के थीटा से मान दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो दो प्रकार के मीटर आते हैं, इसके अंदर कितने प्रकार के मीटर आते हैं, दो प्रकार के मीटर आते हैं। सबसे पहला जो मापक यंत्र आता है वो आता है टेंजेंट और गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी, ठीक है, और दो नंबर पे आता है आपका करंट बैलेंस मीटर। करंट बैलेंस मीटर यानी प्राइमरी एब्सोल्यूट के अंदर आपके दो प्रकार के मापक यंत्र आते हैं, सबसे पहला आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और सेकंड आता है आपका करंट बैलेंस मीटर यानी स्थिर धारा मापी। और ठीक है,
अब बात करते हैं कि दो प्रकार के मीटर होते हैं, इसका जो उपयोग यानी यूज होता है वो कहाँ किया जाता है। यूज की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं के अंदर, ठीक है, लैब लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रयोगशालाओं के अंदर देखा जाए कि जिस प्रकार के एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी एम्पियर मीटर को बनाना है, एम्पियर मीटर जो वोल्ट मीटर होते हैं वो आपके कहाँ पे है, स्केंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। स्केंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जैसे वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर उनको बनाने के लिए टेस्टिंग की जाती है, और उनको टेस्टिंग करने के लिए आपके प्राइमरी एब्सोल्यूट मापक यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। यानी एक सीधी सी बात की जाए कि अगर मेरे को वोल्ट मीटर की टेस्टिंग करनी है तो मैं किस प्रकार के मापक यंत्र का उपयोग करूंगा, तो एब्सोल्यूट मापक यंत्र या फिर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। और उनके अंदर जो एंगल रहेगा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का वो रहेगा के थीटा, यानी के आपको मान दे दिया जाएगा और थीटा आपका एंगल बताएंगे कि कितने एंगल पर कार्य कर रहा है, इससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो या फिर इसका जो मान है राशि का वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिर दो नंबर पॉइंट के बारे में। दो नंबर आपको पॉइंट आता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि वह मापक यंत्र है जो राशि का मान एक पूर्व अंकित पैमाने के आधार पर प्रदर्शित करे, यानी अंकों में, यानी प्रदर्शित करे अंकों में, वो आपके उपयंत्र प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात की जाए अगर मैं एक मेरे पास वोल्टमीटर है, आप सभी ने देखा होगा कि जब आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपने एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट मीटर देखा होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर आपने लिया होगा, तो जैसे कि 240 वोल्ट की सप्लाई है तो उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से एक वोल्ट मीटर लिया और यहाँ पर एक पूर्व अंकित पैमाना है और ये पॉइंटर लगा है। यहाँ पर क्या आता है जैसे वोल्टेज का मान आता है, यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट मेरे पास अगर 5 वोल्ट है तो वो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी वह मापक यंत्र जिस राशि का मापन करना है अगर उस राशि का मान सीधे क्या आता है पैमाने पर आपको प्रदर्शित करे, यानी पॉइंटर क्या बताए आपको सीधे मान अंकों में बताए, वो आपका क्या कहलाता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यंत्र कहलाता है, ठीक है। ये आपके पॉइंटर की सहायता से आपको क्या बता रहा है मान प्रदर्शित कर रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई एंगल है, ना कोई कोस थीटा, ना कोई कोण, ठीक है, सीधे आपको मान प्रदर्शित कर रहा है, वो आपके क्या कहलाते हैं सेकेंडरी मापक यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत अगर बात की जाए कि कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पैनल, जैसे कि वोल्ट मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर या फिर वाट मीटर या फिर पावर फैक्टर मीटर, ऐसे कई प्रकार के जो मापक यंत्र जो आपको पॉइंटर लगे हैं और डायरेक्ट आपको मान बता रहे हैं वो आपके सारे सारे किसके अंदर आते हैं स्केंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आता है आपका एनालॉग और फिर आता है डिजिटल। पॉइंट आता है एनालॉग और दोनों आते हैं डिजिटल। एनालॉग आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी के अंदर 1 से 12 तक और यहाँ पर सुई लगी रहती है वो आपको मान बताती है, जिस घड़ी में सुइयां होंगी वो आपका क्या कहलाती है एनालॉग। और डिजिटल की अगर बात की जाए कि वह घड़ी जिसके अंदर क्या होता है कि सीधे आपको मान बताता है, यानी 2:15 सीधे आपको अंकों में मान बताया जा रहा है, वो मापक यंत्र क्या कहलाते हैं आपके डिजिटल कहलाते हैं। और जिनका मान एक सुई के द्वारा यानी एक पॉइंटर के द्वारा आपको पैमाने पर दर्शाया जा रहा है वो आपके जो यंत्र है वो कौन से कहलाएंगे एनालॉग प्रकार के, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं कि वोल्टमीटर ये आपका किस प्रकार का मापक यंत्र है एनालॉग है, और डिजिटल की बात की जाए तो आपने देखा होगा मल्टीमीटर के बारे में, तो मल्टीमीटर किस प्रकार से मल्टीमीटर होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक पैमाना होता है, यहाँ पर क्या लगा रहता है क्या रोटेटिंग स्विच लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी राशि का मान बताना है तो यहाँ पर उस राशि का क्या आता है मान आता है अंकों के अंदर, जैसे कि 7 सेगमेंट लेटर के अंदर, ठीक है। और ये आपका क्या होता है डिजिटल होता है जो इसके अंदर आता है, और ये आपके कौन से होते हैं एनालॉग प्रकार के होते हैं।
ये आपके हो गए स्केंद्रीय प्रकार के मापक यंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टाइप ऑफ मीटर के बारे में, यानी मीटर होते हैं वो स्केंडरी, अपने ज्यादातर जो मीटर होते हैं वो स्केंडरी मापक यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्केंडरी के भी बात की जाए कि टाइप ऑफ मीटर के बारे में, तो बात करते हैं टाइप ऑफ मीटर के अंदर, अगर पहला आपका आता है कि इंडिकेटिंग प्रकार का मापक यंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है हिंदी में अगर बात की जाए कि सूचक, या फिर इसको बोलते हैं कि सूचना देने वाला। ठीक है, सूचक मापक यंत्र, सूचक मापक यंत्र यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी जो मीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो मीटर आता है वो आता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंडिकेटिंग का मतलब होता है कि वह मापक यंत्र, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए कि वह मापक यंत्र जो किसी भी राशि का मान है वो सीधे ही पॉइंटर के द्वारा आपको प्रदर्शित करे, वो आपका क्या कहलाता है, इंडिकेटिंग मापक यंत्र कहलाता है, यानी सूचक प्रकार का मापक यंत्र। यानी ये क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है आपको कि यहाँ पर एक मेरे पास एम्पियर मीटर है, ठीक है, और यहां से मुझे धारा का मापन करना है। तो ये क्या बता रहा है कि सीधे ही आपको बता दे कि धारा का मान इतना आ रहा है, जैसे कि 5 एम्पियर धारा का मान आ रहा है। ठीक है, तो वह मापक यंत्र है जो सीधे ही एक पॉइंटर की सहायता से आपको पूर्ववर्ती पैमाने पर आपको मान बताए, ठीक है, या मान दर्शाए, वो आपका क्या कहलाते हैं, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर कहलाते हैं। यानी जो सेकेंडरी प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि सीधे आपको मान प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मापक यंत्र कहलाते हैं। तो वो सारे सारे क्या होते हैं कि इंडिकेटिंग प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। जैसे कि आप घड़ी भी देख लो, घड़ी आपको टाइम बता रही है, ठीक है, तो वो क्या है आपका इंडिकेटिंग, यानी आपको क्या कर रहा है, सूचक कर रहा है, यानी सूचना दे रहा है। ठीक है, और जैसे वोल्टमीटर एम्पियर मीटर हो गए, जिसके अंदर पॉइंटर लगा होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, सूचक यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए कि कौन कौन से मीटर आते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, या फिर वाटमीटर, या फिर कोस फाई, ठीक है, जैसे चीजें बोला जाता है पावर फैक्टर मीटर, ये आपके सारे सारे मीटर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंटेग्रेटेक के बारे में। इंटीग्रेटिंग के अगर हिंदी में बात की जाए तो उसको बोलते हैं समाकलन, समाकलन, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, समाकलन। ये मापक यंत्र क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि आपके घर के बाहर पोल, जैसे कि घर में सप्लाई आती है, उसके लिए एक मीटर लगाया गया है बाहर, जिसका नाम होता है KWH। KWH की आप देखते होंगे कि 1 महीने, 2 महीने बाद, या फिर 2 या 3 महीने बाद क्या होता है कि जो रीडिंग लेने वाले रीडर आते हैं, ठीक है, वो रीडिंग लेके चले जाते हैं। यानी वह मापक यंत्र है जो एक समय अवधि के अनुसार आपको, ठीक है, वह मापक यंत्र जो आपको एक समय अवधि के अनुसार आपको एक मापन, या फिर एक आपको पूरा रिकॉर्ड आपको तैयार करके दे, वो आपके क्या कहलाते हैं, मापक यंत्र, यानी समाकलन, या फिर बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग मापक यंत्र कहलाते हैं। यानी KWH मीटर क्या होता है कि जैसे कि 2 या 3 महीने बाद क्या होता है कि वो सारे रिकॉर्ड कर देता है कि यानी इसने कितनी विद्युत है जलाई है, या फिर इसकी जो पावर लॉस है वो कितने है, वो एक साथ है रीडिंग अपने को निकाल के टोटल या फिर काउंट करके अपने को दे देता है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, समाकलन, आपके इंटीग्रेटिंग प्रकार के मापक यंत्र कहलाते हैं। इसके अंदर आपका आता है KWH मीटर, या फिर बोल सकते हैं ECG, ठीक है, KWH मीटर आपका क्या आता है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का एक मापक यंत्र होता है। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट के बारे में कि रिकॉर्डिंग प्रकार के मापक यंत्र। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग
जो एक समय अवधि के अनुसार आपको एक रिकॉर्ड के आधार पर, जैसे कि इस प्रकार के ग्राफिक के आधार पर यूं आपको मापन बताए, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग प्रकार के मापक यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईसीजी या फिर सीआरओ, ठीक है। ईसीजी क्या होती है कि आपने रिपोर्ट करवाई होगी, या फिर देखा होगा आपने कि एक इस प्रकार से आपको लिस्ट मिलती है, या उसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ग्राफ सा लगा रहता है यूं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला क्या है कि एक पेन या पेंसिल की सहायता से आपको एक पेपर पर ग्राफ की सहायता से आपको मान प्रदर्शित करें या फिर आपको मान बताएं, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग मापक यंत्र कहलाते हैं। इसको बोला जाता है अभिलेखन। हिंदी अगर बात की जाए तो क्या बोला जाता है, अभिलेखन। मापक यंत्र, अभिलेखन मापक यंत्र यानी पेन या पेंसिल की सहायता से आपको ग्राफ पेपर पर, ठीक है, आपको मान प्रदर्शित करें एक ग्राफ की सहायता से, या फिर एक ग्राफ के द्वारा आपको मान प्रदर्शित करें, वो आपके क्या कहलाते हैं, अभिलेखन मापक यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईसीजी सीआरओ आता है, और इंटीग्रेटिंग होता है आपका, इंटीग्रेटिंग होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले क्या था इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग क्या होता है कि आपको सूचना देता है, यानी सूचक प्रकार का, सूचनात्मक, ठीक है। सूचनात्मक क्या होता है कि आपको सूचना दे रहा है, यानी पॉइंटर की सहायता से, इसमें 10 एम्पीयर धारा है, इसमें 50 वोल्ट है, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग होते हैं, इंटीग्रेटिंग। और इंटीग्रेटिंग आपका क्या होता है कि जो एक समय अवधि के अनुसार आपको रिकॉर्ड दे, वो इंटीग्रेटिंग हो गया। और रिकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि ग्राफ या पेन या पेंसिल की सहायता से आपको इस प्रकार से आपको बताया कि इसके अंदर इतना कुछ राशि का मान आपको बताया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी भी राशि का मान होता है कि जैसे कि दिनों दिन बढ़ते जा रहे कोरोना महामारी से, तो किसी दिन ज़्यादा केस आ रहे हैं, किसी दिन क्या रहे हैं, कम केस आ रहे हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार से जो ग्राफ होता है वो यहाँ प्रदर्शित करता है कि 10 तारीख को कितना था, जैसे बढ़ गया, फिर बाद में फिर कम हो गया, ठीक है, फिर कुछ दिन ज़्यादा केस आए तो और ज़्यादा बढ़ गया, फिर कम होता जा रहा है, इस तरीके से। यानी वहाँ पर जो मीटर होता है ये किस प्रकार का बता रहा है, यहाँ पर जो हो रही है वो बात हो रही है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, यानी वो रिकॉर्ड रखता है स्टार्टिंग से लेकर आज तक का, यानी कितने इसके अंदर उतार चढ़ाव हुए हैं इस मापक के अंदर, या फिर इस राशि के अंदर, या फिर कोरोना केस के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके मीटर के प्रकार। आज अपनों ने क्या पढ़ा कि मीटर क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और एक्यूरेसी के आधार पर दो प्रकार के मीटर बताए। उसके बाद में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन, अगर मीटरों का वर्गीकरण बात की जाए तो दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी आपको बता दूं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बढ़ाए जाते हैं, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की जो टेस्टिंग करने के लिए जो उपकरण की जरूरत पड़ती है वो प्राइमरी की पड़ती है, यानी परम मापक यंत्र या फिर टेंजेंटो गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। और सेकेंडरी मापक यंत्र आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर, एम्पियर, ये सारे प्रकार के क्या होते हैं, मीटर आपके सेकेंडरी मापक यंत्र होते हैं। और अब टाइप ऑफ मीटर के बारे में बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग होते हैं, इंटीग्रेटिंग होते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। कल अपन उन्होंने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि जो एम्पियर मीटर होता है, यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं पॉइंटर लगा रहता है, तो इस एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट मीटर किसी प्रकार का मीटर हो, इसके अंदर किस प्रकार का टोरक लगता है, किस प्रकार का सिद्धांत लगता है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। यानी ऐसे इसके अंदर क्या ऐसा बल आघूर्ण होता है ताकि वो पॉइंटर को यहाँ पर अपनी स्थिति के अंदर खड़ा कर दे, और फिर क्या होता है कि जैसी सप्लाई बंद होगी अपनी स्थिति में वापस आ जाए, ठीक है। और इसके अंदर किस प्रकार के टोरक लगाए जाते हैं, किस प्रकार की प्रणाली इसके अंदर यूज की जाती है, तो वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो कहीं जाए मत, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।